राज्य में सुगंधित तंबाकू गुटखा प्रतिबंधित है। इसके बावजूद भी बाड़ी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में बुधवार को गोडाउन पर छापा मारकर करीब 209 बोरी प्रतिबंधित तंबाकू व गुटखा जब्त किया गया। इस दौरान ट्रक भी जब्त किया गया। जानकारी के अनुसार बाड़ी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में AMS ट्रांसपोर्ट गोडाउन बाड़ी में खुलेआम गुटखा व तंबाकू ट्रकों में भरकर गोदाम में उतरता है। ऐसी जानकारी बुधवार दोपहर 3 बजे सामाजिक सुरक्षा विभाग को मिली। इस पर क्राइम ब्रांच SSP की टीम ने गोदाम पर छापा मारा। AMS ट्रांसपोर्ट गोदाम नगर परिषद के पीछे सोनू खोपरा कड़ी का है। AMS ट्रांसपोर्ट किराए से चलाने वाला मैनेजर अजय मनोहर सोनटक के है। इस दौरान यहां करीब 209 बोरी प्रतिबंधित गुटखा व सुगंधित तंबाकू जब्त की गई। जब्त किए गए माल की बाजार कीमत करीब 75 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही ट्रक भी जब्त किया गया। आज आम्हाला गोपनीय माहिती मिळाली की वाडी येथील AMS गोडाऊनमध्ये एका कंटेनरने प्रतिबंधित गुटखा आणि सुगंधित तंबाखूचा साठा आलेला आहे। त्या माहितीवरून आम्ही पंचांसमासोबत सदर गोडाऊनवर छापा मारला। त्यावेळेस गोडाऊनमध्ये आणि कंटेनरमध्ये सुगंधित तंबाखू तसंच प्रतिबंधित गुटखा हा आम्हाला मिळून आला। त्याच्यामध्ये टोटल 209 बोरे मिळून आले आणि टोटल याची किंमत जवळपास 75 लाख रुपयाचा हा माल होता। तर ते आम्ही ते कंटेनरसह आम्ही जप्त केला आहे आणि पुढील कारवाई आम्ही फूड अँड ड्रग्सच्या डिपार्टमेंटच्या सोबत करीत आहोत। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी के शहर पदाधिकारियों ने मुझे सूचना दी कि वाड़ी में एक कंटेनर भर के सुगंधित तंबाकू और गुटखा यहाँ पे आया हुआ है जो कि प्रतिबंधित है और महाराष्ट्र में बैन है, जिसकी जानकारी मैंने क्राइम ब्रांच के SSP के जो PI है श्री किशोर पार्वती साहब उनको दी और उनके साथ में आकर वो कंटेनर की जानकारी दी। जहाँ पर कंटेनर खाली हो रहा था उन्होंने चेक किया, वहाँ पे देखा और 75 लाख का आज गुटखा क्राइम ब्रांच के साथ में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने और मैं शैलेंद्र तिवारी हम लोगों ने आज जब्त किया और फूड डिपार्टमेंट को सूचित किया और फूड डिपार्टमेंट वाले यहाँ पर पहुँचे वाड़ी थाने में और यहाँ पर अभी आगे की कार्रवाई वो लोग कर रहे हैं। NBC न्यूज़ के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।